नमस्कार, मैं विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज आपको ईस्ट फेसिंग मोबाइल शॉप के बारे में बताऊंगा। आपकी दुकान अच्छी नहीं चल रही तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे कि आपकी दुकान बहुत अच्छी चलनी शुरू हो जाएगी। आपके यहाँ सेल अच्छी नहीं हो रही तो सेल अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, प्रॉफिट नहीं आ रहा तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो उपाय आप अपने यहाँ इजी वे में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जो आपका फ्रंट का भाग है साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक का भाग, आपका बाहर का आपकी गली है या सड़क है, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खड्डे वाली नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इसे बिल्कुल स्मूथ कराएं, प्लेन कराएं। ऐसा करेंगे तो आपके यहाँ प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ दूसरा जो काम आपने करना है, अगर आपके यहाँ ओपन नाली बनी हुई है तो आप उसको रूटीन में साफ ज़रूर कराएं, और आप अपनी इस नाली को ढकवाएं, बंद कराएं, तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ आपको एक काम और करना है, जो आपका फ्रंट का भाग है उसमें जो आपका शटर लगा हुआ है, शटर पर आपको हल्का हरे रंग का पेंट करवाना है। फ्रंट के भाग में आपने अपना जो पायदान रखना है वो पायदान आपका लाइट ग्रीन कलर का होना चाहिए या आपका लाइट ब्राउन कलर का पायदान होना चाहिए। आप यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर या लाइट ब्राउन कलर का पायदान रखेंगे तो भी आपके यहाँ कस्टमर का आवागमन अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपकी दुकान की चौड़ाई ज़्यादा है तो आपने अपना जो एंट्रेंस डोर रखना है वो आपने ईस्ट के मध्य भाग में रखना है। अगर आपके यहाँ चौड़ाई कम है तो आपको अपना गेट ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर रखना है। ऐसा करने से भी आपके यहाँ सेल प्लस हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो आपने अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट के भाग में लगाना है। इन्वर्टर आपने रखना है तो वो भी आपने साउथ ईस्ट के भाग में रखना है। एमसी बॉक्स जो लगानी है तो वो भी आपकी साउथ ईस्ट के भाग में आनी चाहिए। गेट से एंट्री करने के बाद अंदर की सीटिंग और सेटिंग कैसे होनी चाहिए, जो आपकी साउथ की दीवार है साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेके साउथ ईस्ट कॉर्नर तक आपने अपनी स्टोरेज और डिस्प्ले बनानी है। इसमें आपको करना क्या है, जो आपकी साउथ की दीवार है साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ वेस्ट कॉर्नर तक, फर्श के ऊपर 3 फुट की हाइट तक आपने अपनी स्टोरेज के लिए अलमारी बनानी है, उसके ऊपर आपकी अपनी डिस्प्ले आ जाएगी। इसी के साथ साथ साउथ वेस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक वेस्ट की दीवार पर भी आपने 3 फुट ऊंची कैबिनेट अलमारी बनानी है और उसके ऊपर आपकी डिस्प्ले आ जाएगी। इसके साथ साथ जो आपकी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक नॉर्थ की दीवार है, यहाँ पर आपकी अपनी सिर्फ डिस्प्ले आएगी। यहाँ पर नॉर्थ की दीवार पर आपने कोई भी स्टोरेज नहीं करनी है। इसके साथ साथ जो आपका फ्रंट का भाग है, अगर आप गेट मिड में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, तो आपकी साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके गेट तक और गेट से लेके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक आपकी अपनी डिस्प्ले आ जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी डिस्प्ले करनी है। इसी के साथ अगर गेट आपका कॉर्नर में है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, तो आपकी साउथ ईस्ट से लेके गेट तक पूरी कंप्लीट डिस्प्ले आ जाएगी। इसके बाद एल शेप में आपने ये अपना काउंटर बनाना है। यहाँ पर आपका अपना स्टाफ खड़ा हो जाएगा। जो ओनर की सीटिंग है वो ओनर की सीटिंग पहली ऑप्शन में वेस्ट साउथ वेस्ट में आती है और दूसरी ऑप्शन में साउथ साउथ वेस्ट में आती है। इसमें जो वेस्ट साउथ वेस्ट की सीटिंग है, यहाँ पर जब ओनर बैठेगा तो जो कैश के लिए कैश बॉक्स होता है वो ओनर के राइट एंड पर आना चाहिए।
इसी के साथ साथ आपको एक कैश बॉक्स और बनाना है जो कि आपके बैक साइड में वेस्ट की दीवार पर आएगा। पैसा ज़्यादा इकट्ठा होने के बाद, पैकेट बनने के बाद आपको इस ड्रॉर के अंदर, इस कैश बॉक्स के अंदर पैसा रखना है जो कि ईस्ट की ओर ओपन होता है। इसी के साथ अगर साउथ वेस्ट के भाग में साउथ की दीवार के साथ ऑनर बैठता है तो उसके भी राइट हैंड की ओर ही कैश बॉक्स होना चाहिए। ठीक इसके सामने एक दूसरी कैश बॉक्स और बनानी है जिसमें ज़्यादा पैसा इकट्ठा होने के बाद इस कैश बॉक्स के अंदर रखना है जो साउथ से नॉर्थ की ओर ओपन होती है। कैश बॉक्स हमेशा ऑनर के राइट हैंड पर होना चाहिए और नॉर्थ की ओर या ईस्ट की ओर ओपन होना चाहिए। लेकिन इस चीज में राइट हैंड की ओर कैश बॉक्स तो बन जाता है लेकिन नॉर्थ या ईस्ट की ओर ओपन नहीं होता, तो इसके लिए आपको एक दूसरी ड्रॉर इस तरीके से बनानी होगी जो नॉर्थ की ओर ओपन होगी या ईस्ट की ओर ओपन होगी। इसी के साथ साथ आपका जो कस्टमर है वो आपका यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। आपको अपने यहाँ पर पीने का पानी रखना है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक आप कहीं भी पीने का पानी नॉर्थ की दीवार के साथ रख सकते हैं। सभी दुकानों में, मैक्सिमम दुकानों में मयूर जग आते हैं या डिस्पेंसर रखा जाता है। मयूर जग आता है तो मयूर जग का जो कलर होना चाहिए या तो ग्रे कलर होना चाहिए या लाइट स्काई ब्लू कलर होना चाहिए जो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक नॉर्थ की दीवार के साथ आप कहीं भी रख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं मंदिर की। मंदिर आपने कहाँ बनाना है? मंदिर आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेकर ईस्ट के मध्य भाग तक आपने अपने यहाँ पर मंदिर बनाना है। जब आप अपना यहाँ पर मंदिर बनाएं तो आपने मंदिर के अंदर ज्योत भी जलानी है। अब बात करते हैं हम मोबाइल रिपेयरिंग के लिए एक टेबल लगाई जाती है, वो टेबल आपने अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट से ईस्ट के भाग में लगानी है और जो इस टेबल पर काम करेगा उसका फेस ईस्ट की ओर हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने यहाँ पर सीटिंग और सेटिंग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आपके यहाँ सेल अच्छी नहीं हो रही तो सेल अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ इस तरीके से सीटिंग और सेटिंग होने से आपके यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।